मर्दान में कैनाल रोड पर अहमदियों की इबादत गाह पर खुदकुश हमले से खुदकुश हमलावर समेत दो अफराद हलाक जबकि छह जख्मी हुए हैं। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब अहमदियों की इबादत गाह में इबादत के लिए लोग जमा हो रहे थे, इज्तमा हो रहा था और उस वक्त दो खुदकुश हमलावरों ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुसर्रत आसी से। जी मुसर्रत आसी, क्या है इस वक्त सूरत हाल जाए हादसा की, इस हमले की भी तफसीलात से आगाह कीजिए, जख्मियों की हालत के बारे में भी बताइए। जख्मियों की हालत ठीक है, कोई ज्यादा तशीशनाक नहीं है। जयपुर पे लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। पुलिस और दूसरे सिक्योरिटी दारों ने इलाके को घेरे में ले रखा है। इसी तरह जैसे उन्होंने बताया कि वजीर अला सरहद के वजीर अला खैबर पख्तूनख्वा के वालिद आजम मोदी ने इलाके का दौरा किया और अब वो अस्पताल में गए और जख्मियों की उन्होंने आयादत की है। इस इलाके के बारे में बताया कि जिस जगह पर ये अहमदियों का ये इबादत खाना था, ये बड़ा खुफिया मुकाम था और बस्तियों के अंदर बड़ी गुंजान इलाके में ये इनके इबादत खाना काम कर रहा था। और आज जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुसर्रत आसी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त मर्दान में केनाल रोड के बाहर जो अहमदियों की इबादत गाह के ऊपर खुदकुश हमला करने की एक तरह से कोशिश की गई थी, तहम खुदकुश हमलावर को सिक्योरिटी पर मौजूद एहलकारों ने अंदर दाखिल नहीं होने दिया और गेट के बाहर ही फायरिंग का तबादला भी हुआ जिससे वहां मौजूद सिक्योरिटी का एक एहलकार भी हलाक हुआ। जबकि इसके साथ साथ जवाबी फायरिंग में खुदकुश हमलावर ने बाद में खुदकुश धमाका करके अपने आप को भी हलाक कर लिया। दूसरा साथी खुदकुश हमलावर फरार होने में कामयाब हो गया।